हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह मैं बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि कल केक वगैरह खाने के बाद मेरे दांत में बहुत दर्द हो गया था। मैं रात भर दांत दर्द से परेशान थी तो मैं सो नहीं पाई ठीक से, और सुबह में मैं लेट उठी हूँ। तो आज का मेरा पूजा पाठ ये वाला रूटीन तो का टाइम निकल गया है, बट मैंने सोचा कि चलो आज मैं घर की सफाई जो है वो अच्छे से एक बार कर लेती हूँ। मैं फ़िलहाल उससे पहले एक बार आपको घर दिखाती हूँ। घर की हालत बहुत बुरी है, आप देखिए। घर की हालत इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग एक बार पहले देख लें घर की हालत, उसके बाद जब मैं एक बार सब क्लीन कर लूँगी, सब अपनी जगह पे चला जाएगा, तो उसके बाद भी मैं आपको एक बार फिर से घर की हालत दिखाऊँगी। ये देखिए, ये रही किचन की हालत। इतना गंदा नहीं था रात जब मैं सोई थी, बट संदीप रात में जगते हैं तो वो सब ना इधर उधर तहस नहस कर देते हैं। मतलब एक घर में ना दो बच्चे हैं, एक ये अंशु और एक संदीप, दोनों ही घर फैलाते रहते हैं। अंशु तो फिलहाल टीवी देख रहा है। और ये रही बेडरूम की हालत, कपड़े भी सब पड़े हुए हैं वैसे ही। ये सब आज मैंने क्लीन करना है। घर जो है वो थोड़ा पेंट नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से, तो इस वजह से थोड़ा गंदा सा लगता है, बट जब क्लीन व्लीन हो जाता है तो ठीक है, सही लगता है। तो मैं अभी पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ये साड़ी पहनी थी मैंने कल जब हम मंदिर गए थे, और ये मैंने अंशु के बर्थडे पे पहनी थी। ये कुछ नए साड़ी एंड सूट हैं जो मैंने खरीदे थे अपने गेस्ट के लिए टीका रिटर्न करने के लिए। जो कुछ मेरे रिश्तेदार हैं जो आए नहीं तो ये बच गई हैं, बाकी देखते हैं अभी क्या करते हैं इनका। ये देखिए, बट कबीर जी गंदा कर रहे हैं फिर से। कोई बात नहीं, इतनी मेहनत लगी है, कम से कम मुझे लगे हैं पूरे 1.5 घंटे। ये रहा क्लीन क्लीन किचन, और ये रहा मेरा मंदिर वाला कमरा, या फिर लिविंग रूम कुछ भी कह लो, या कबीर का रूम कुछ भी कह लो। ये भी क्लीन हो गया है, हॉल रूम तो देख ही लिया। ये टेबल उठा के अंदर बेडरूम में रखना है, वो जब संदीप उठेंगे तभी हो पाएगा। इस रूम में संदीप सो रहे हैं, और ये रूम भी क्लीन हो गया है। बाकी जो उधर मेरा कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था वो भी मैंने क्लीन कर दिया है, सब क्लीन हो गया है। क्लीनिंग तो हो गई है, बट कल जब मंदिर गए थे काफ़ी धूप थी तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। तो सोच रही थोड़ा बेसन का उपटन लगा लेती हूँ, और फिर नहाना धोना करके दिन के खाने की तैयारी करते हैं। ओके दोस्तों, कुछ दिन पहले क्या परसों के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा वेट जो है वो गेन हो गया नोएडा जाने के बाद, तो मुझे वेट लूज़ करना है। वेट लॉस के लिए मैं पहले भी एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। वो है एप्पल साइडर विनेगर। तो मैंने एप्पल साइडर विनेगर मंगाया है जो आज ही मुझे रिसीव हुआ। ये रहा, अभी इसमें क्या है कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ ही दिखता है एप्पल साइडर विनेगर।
एप्पल साइडर विनेगर मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ वेट लूज के लिए अराउंड 2019 में, और उस टाइम पे भी मेरा वेट थोड़ा इंक्रीज़ हो गया था, तो मैंने यूज़ किया था, ज़्यादा नहीं 3-4 महीने ही यूज़ किया था, कंट्रोल में आया था वेट, बट सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करने से वेट कंट्रोल में नहीं आता है। बाकी चीज़ें जो डाइट वगैरह मैं जैसा कि बता रही थी, थोड़ा शुगर वगैरह कम करना पड़ता है और बाहर का खाना कम खाना पड़ता है, तो वो सब भी करना पड़ेगा साथ में, तो फिर से मैं एप्पल साइडर विनेगर की शरण में जा रही हूँ। एक्चुअली करना क्या है कि इसे सुबह लेना है चम्मच, एक चम्मच या एक ढक्कन में लेना है ल्यूक वार्म वाटर के साथ, हल्के गुनगुने पानी के साथ। इसका जो टेस्ट है बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट बहुत बेकार टेस्ट है, बहुत खट्टा सा कसैला सा टेस्ट है इसका, स्मेल भी वैसी ही है, बहुत बेकार स्मेल है। मुझे तो कभी 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 क्या मोस्टली ही ऐसा होता है कि इसको पीने के बाद ना मुझे नौजिया सा फील होता है, लेकिन क्या करें, अभी वेट लूज़ करना है तो कुछ तो पापड़ बेलने ही पड़ेंगे, तो वही हिसाब है कि ये मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ, देखती हूँ कुछ बेनिफिट इस बार इसका मिलता है या नहीं। एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं, अभी एक महीना में मैंने गेन किया है 4 kg, तो एक महीना तो जाएगा ही 4 kg लूज़ करने में। अभी मेरा करंट वेट मैं आपको बता देती हूँ, मेरा करंट वेट है अराउंड 68 मेरा वेट है, पहले मैं 64 के अराउंड में थी, तो वही है कि 68 वेट है, यानी कि मेरा जो BMI इंडेक्स है वो थोड़ा हायर रेंज में है, 26 and half के अराउंड मेरा BMI है, जो पहले भी 25 and half के अराउंड था जब मैं 64 की थी, बट ठीक है, अभी मुझे लगा था 64 से 60 कर लूँगी, बट ये 64 से 60 जाने की वजह 64 से 68 आ गया है, तो वही है, मुझे अभी ये कंट्रोल में करना है, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। बाकी वही घर का खाना, कल बर्थडे होने की वजह से थोड़ा पूरी वगैरह और केक वगैरह मैंने खा लिया था, बट डेली बेसिस पे तो नहीं खाऊँगी, और बाहर का भी मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। लेकिन जब से मैं नोएडा से लौटी हूँ, यानी कि ये जो एक हफ़्ता निकला है, इस एक हफ्ते में मेरा वेट 1 kg तो कम हुआ है, खैर वो 1 kg तो मेरा ये काम, बर्थडे की प्रिपरेशन और इन सब में निकला होगा, बट अब ये यूज़ करते हैं, देखते हैं कुछ बेनिफिट हुआ तो आप लोग को बताऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग से। गाइस, डिनर को काफ़ी टाइम हो चुका है, डिनर होने के बाद डिनर डाइजेस्ट भी हो गया है, बट इन जनाब का डिनर डाइजेस्ट नहीं हुआ है और ना ही इन्हें नींद आ रही है। अंशु भी, ये देखिए घर की हालत फिर से वही हो गई। मुझे सुबह उठते फिर से वही करना पड़ने वाला है। अंशु नहीं करते बेटा, ये मुझे गुदगुदी। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बोल दो लाइक, बोलो लाइक लाइक। ये फुल मस्ती में। चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।